वालेकुम सुगाई, संडे का दिन और प्रॉपर फारिग, तो हमने सोचा चलते हैं कहीं दूर। और हमने सोचा कि चलते हैं आज कैफे के निजान जब है घरों पे, तो आइए दिखाते हैं कुछ सीन्स। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं। तो गाइस फाइनली अब हम कैफे इमरान पहुंच चुके हैं, और अब आपको दिखाते हैं कि अंदर के सीन्स कैसे हैं। ये आपके सामने आप देख सकते हैं, ये किचन एरिया है जहाँ पे मैनेजर हैं जो है किचन विज़िट करवा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे साफ़ सफाई का ख्याल किस तरह रखा जा रहा है। प्रॉपर जो है वो हेड कवर और मास्क का मतलब बिल्कुल ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कोविड से रिलेटेड, तो इसका बिल्कुल सही तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि ये फास्ट फूड्स के आइटम्स यहाँ पे तैयार किए जाते हैं, और आपको आगे लेकर चलते हैं हम यहाँ पे। ये जो है ये किचन है, यहाँ पे ये पाकिस्तानी डिशेस तैयार होते हैं। सामने जो है ये डिश वॉशिंग एरिया है। सबसे मेन चीज़ जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ़ सफाई। मैं बिल्कुल हैरान हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मैंने कराची में भी बहुत से रेस्टोरेंट्स विज़िट किए हैं, लेकिन इतनी साफ़ सफाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये देखें, ये जो है स्टोर है इनका, जहाँ पे ये चीज़ें स्टोर करता है, और यहाँ पे भी बिल्कुल SOPs को फॉलो किया जा रहा है बहुत अच्छी तरीके से, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये मेरे कुछ दोस्त हैं जो अभी मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं, अभी मैं आप लोगों से बात करवाता हूँ। आप ये बताएं यहाँ के खाने के बारे में आप क्या बताएंगे, कैसा यार यहाँ का टेस्ट माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, और सबसे अच्छी चीज़ इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और सारी चीज़ें हेल्दी फूड होता है इनका, साफ सफाई और ये सारी चीज़ें वो बहुत अच्छी है। फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें क्या खाना है। बारबेक्यू प्लेटर, चिकन मखनी हांडी और रोश, नमकीन रोश। ये आप देख के कह सकते हैं कि वाकई में बहुत आला है, और ये है स्टीम रोश। ये कोई नई डिश थी और बहुत ज़बरदस्त, और सबसे स्पेशल जो है वो है प्लेटर इनका, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। और कैफ़े इमरान जब भी जाएँ इसको ज़रूर ट्राई करें। और ये आपके सामने मखनी हांडी है, जो कि बहुत ही डिलीशियस था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब देखते हैं स्पीड, ये आ गई हमारे खाने की स्पीड, नीड फॉर स्पीड। ये हम गाइस जो हम आसरा करते नहीं हैं कभी भी खाना खाने में, तो ये हमारे दरमियान कुछ रेस चल रही थी, और उसके बाद तो हमने सोचा कि अब कुछ सवालात का आगाज करें। तो ये है इमरान भाई। हौसला अफजाई के लिए मकसद कि आपने मेरे साथ दिया, या यहाँ के जो मेरे गेस्ट जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं 20 साल से, तो सबके लिए एक पैकेज होगा। 3 दिन के लिए हम एक डिस्काउंट कवर करेंगे कि हमारे 20 साल पूरे हो गए। अब ऐसा हुआ कि लोगों को पता चला कि यार कैफे इमरान नाम की भी कोई चीज़ है जो घरों के अंदर करता है और जो हमें A1 क्लास का खाना देता है। ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कुछ बताएं। अच्छा, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ का मेरे सराउंडिंग के लिए, तो मैं डे पस से ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। इनका रिस्पॉन्स यहाँ पे, इनका आना, यहाँ के लोकल जो वो है, जिससे जब इकरार भाई का शो हुआ सयाम में, उसमें फिर लोगों का जो है इजाज़त ज़्यादा फ्लो। इस तरह अब अमूमा हम आते हैं हफ्ते के रात को, तो हम देखते हैं कि कराची का बहुत बड़ा क्राउड आया हुआ था, संडे स्टेज भी आया हुआ था सुबह, तो क्या होता है आप लोगों का नाश्ते वगैरह का भी प्रोग्राम है, बस दोपहर को होटल, और क्या क्या चीज़ें आपकी जो स्पेशल है हमारे पास? ब्रेकफास्ट बहुत बेहतरीन है, पूरी जर्नी जो है ना ब्रेकफास्ट के लिए सजाती है, वो अलग जर्नी है। नाश्ता मेरा अलहमदिल्ला बहुत सुपर है, उसमें जो है ना एक तो हलवा पूरी वाला वो तो है ही नॉर्मल जो होता है, तो कराची में
लेकिन चने मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फेमस है, और उसके अलावा मटन कीमा मेरा बड़ा फेमस है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल तो ये बाकी पराठे भी डाल दिए, चिकन वगैरह ये पराठे भी डाल दिए, देखते हुए लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से तंदूरी पराठे मकसद। तो दरअसल ये एक गॉड की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी है, मैं नहीं चाहता हूँ, नहीं समझता हूँ इससे बेहतरीन नाश्ता वहाँ पे कराची में गली के नुक्कड़ पे मिल रहा है, लेकिन कुदरत शायद मुझे सही बात है। तो फिर दोपहर का और दोपहर के खाने में अगर हम बात करें लंच की, तो लंच में क्या आपके पास है? पर मेरे पास जो हमारा एक फेवरेट है नमकीन रोस्ट, ये फेमस है, ये बड़ा बेहतरीन वो है, ये एक यूनिक है, ये कराची में आपको नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो वो जैसे आइसोलेशन होता है ना तो उस तरीके से। मेरे पास जो नमकीन है वो कराची के नमकीन से अलग है, और ज़्यादातर लोग उसमें जो है ना वो शोरबा वगैरह, लेकिन मैंने शोरबा उसमें नहीं रखा, क्यों मेरे पास जो गोश्त का जो मैार है वो बहुत छोटे जाना से काटता हूँ, वो स्टील के बनता है। अच्छा, तो उस वजह से वो यूनिक हो जाता है। आज के खाने के लिए अगर हम बात करें डिनर की, तो फिर डिनर कढ़ाई का मेरे पास बेहतरीन वो है, और बारबेक्यू मेरे पास बड़ा बेहतरीन है, बारबेक्यू में फैमिली प्लेटर का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, वो हमने देखा वो फैमिली प्लेटर आपका बड़ा फेमस चल रहा है, वो उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। तो टाइमिंग क्या है, मतलब सुबह कब खोलते हैं, रात में कब बंद करते हैं, 24 घंटे होता है क्या? 6 बजे से रात को फिर 12 बजे जो अभी इन्होंने दोबारा हमें नोटिस किया हुआ है, मतलब पहले आप 24 घंटे आपने भी कोई अपना विजन बनाया हुआ है कि आने वाले 4-5 साल में मुझे इसको बड़ा करना है, जैसे कराची में कोई ब्रांचेस वगैरह आपके ब्रांच खोलना है? अभी कितनी लेबर होगी आपके पास टोटल? अभी माशाल्लाह वो डेली वेजेस और वो मिला के 100+। कराची के हवाले से आपने क्या सोचा कि कराची में आप कब खोल रहे हैं ब्रांच? कराची के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा दावत है, आप कराची आ जाए, अगर मैं कराची आ जाऊँ तो कराची वाले इधर क्यों आएंगे ना, इसलिए मैं कराची नहीं आऊँगा। बहुत अच्छी बात है इमरान भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये था हमारे साथ इमरान भाई, जिनके आज हमने रेस्टोरेंट में विजिट किया था कैफ़े इमरान, वो आप सबको मैं दावत देता हूँ कि स्पेशली जब जब आप वीकेंड के लिए अगर कोई नई जगह आप चाहें कि यार किसी अच्छी जगह पे आके खाना खाना चाहते हैं और अच्छा खाना खाना और अच्छा खाना खाना चाहते हैं और इकोनॉमिकल खाना खाना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास इस वक्त कैफ़े इमरान बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। सीन कुछ ऐसे हैं कि अभी कैफ़े इमरान से खाना खाना हमने खा लिया है, खाना वाना खाने के बाद, और अब हम जो है घर की तरफ रवा दवा हैं, और हम चार दोस्तों ने अचानक से सडन प्लान हमने बनाया कि कैफ़े इमरान चलते हैं, वहाँ का खाना बड़ा मशहूर है, हमने काफ़ी नाम सुना था इसका। दानियाल साहब से पूछेंगे, दानियाल सर आप बताएं कि खाना आपको कैसा लगा कैफ़े इमरान? मुझे तो मेरा फर्स्ट कैफ़े इमरान का, और ज़बरदस्त खाना खाऊँगा, और सबसे अच्छी चीज़ जो थी उन्होंने जो साफ़ सफाई अपने होटल पर रखी हुई थी, ये सारी चीज़ें काफ़ी कम दिखने को मिलती है, एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन थी, एक अच्छी जर्नी रही हमारी आज कैफ़े इमरान। हमारे भाई आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ये हमारे सजाम भाई हर जगह बिल पे करते हैं माशाल्लाह से, इनका दिल बहुत बड़ा है जी। सजाम भाई आप क्या कहना चाहेंगे सर? ओवर और जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे कैफे इमरान 100% उतरा है। होता अमूमन ये है कि हम एक्सपेक्टेशन लेके कुछ जाते हैं और रियलिटी कुछ होती है, पर जिस एक्सपेक्टेशन के साथ हम कराची से निकले थे उसी एक्सपेक्टेशन के साथ बिल्कुल 100% हम वापसी की तरफ रवाएँ। और ओवरऑल मैं तमाम अपने व्यूअर्स को यही सलाह दूंगा कि जब भी इनको टाइम मिले और अगर आपको माइंड फ्रेश करने और आप एक लॉन्ग जर्नी चाहते हैं विद टेस्टी फूड, तो कैफे इमरान इज़ द बेस्ट प्लेस डेट फॉर।